हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस वे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं। सो इसके पहले आपको ब्लॉग क्रिएट करने के पहले आपको जीमेल आईडी, मतलब जो जीमेल गूगल ईमेल आईडी रहती है वो आपको क्रिएट करनी पड़ती है। तो उसका वीडियो मैं बाद में बना देती हूँ। अगर आपके पास जीमेल आईडी हो तो उससे डायरेक्टली आप ब्लॉग में जा सकते हो। सो यहाँ पर आपको blogger.com, यहाँ पर आपको blogger.com लिखना है। उसके बाद ये पूरा स्क्रीन आपको ब्लॉगर का दिखाई देगा। सो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है या किसी कार के फील्ड में इंटरेस्ट है या आप अपनी स्टोरी लिखना चाहते हो या कोई किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो तो आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पर क्रिएट योर ब्लॉग एंड साइन इन। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपको एक जीमेल आईडी की ज़रूरत है, वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। मेरी ऑलरेडी जीमेल आईडी है तो मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको साइन इन में जाना है। उसके बाद ये जो मेरी ईमेल आईडी है वहाँ पर है और आपका पासवर्ड आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन, अभी मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग बनाया था, बहुत पहले बनाया था, लगभग 6-7 महीने हो गए उसको, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, और इसके 7 व्यूज़ और ऐसा कुछ है। तो इसके बाद मैं आपको ये प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि आपको ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है। सो आपको उसके लिए न्यू पोस्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। न्यू पोस्ट के बाद आपको यहाँ पर जो भी आप टाइटल लिखना चाहते हो, अबाउट कुकिंग, अबाउट कुकिंग रेसिपी, अबाउट सम फैक्ट, जैसे आप जो भी आपका टाइटल हो वो आप पोस्ट के टाइटल पर लिख दीजिए। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट में आप जो भी फैक्ट्स है वो लिख सकते हो। समझो मैंने ये लाइन लिखी एंड इस लाइन को सिलेक्ट करते कर कर आप उसकी टेक्स्ट जो है उसको आप स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज, लार्जेस्ट ये लिखिए। मैंने अभी ये लार्ज कर दिया, अब ये लार्जेस्ट मतलब ये बड़ा हो गया। नाउ अगर इस टेक्स्ट के कलर को आपको चेंज करना हो तो ये वाला क्लिक करना है। समझो रेड रखना हो तो ये रेड हो गया। समझो आपको सिर्फ सम का स्पेलिंग ब्लू चाहिए तो यहाँ पर आप पर्टिकुलरली सम का स्पेलिंग भी ब्लू कर सकते हो। एंड देन ये फॉन्ट है, अभी समझो आपको ये वाला लाइन इस फॉन्ट में चाहिए तो आप ऐसे भी इसको चेंज कर सकते हो। देन इसको बोल्ड कर सकते हो, देन इटैलिक कर सकते हो, देन अंडरलाइन करना हो तो पूरे इसको भी अंडरलाइन कर सकते हो। एंड अगर को समझो फॉर एग्जांपल आपको ये वर्ड को अंडरलाइन करना है तो आप ये वर्ड को भी अंडरलाइन कर सकते हो ओनली। यहाँ पर आप उसमें फ़ोटो जो भी इमेज है ये भी इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर कुछ जो भी चीज़ के बारे में बता रहे हो उसके रिगार्डिंग फ़ोटो जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो इंसर्ट कर सकते हो, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। देन एट लास्ट आप प्रीव्यू, आपका ब्लॉग कैसे दिखता है। तो ये ऐसा ब्लॉग दिख रहा है मेरा, ये देखिए ऐसा ब्लॉग दिखता है। यहाँ पर पब्लिश, अब इसको पब्लिश कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको ब्लॉग दिखाया, अगर आपको उसका थीम पसंद नहीं आया तो यह आपसे आप डायरेक्टली थीम भी चेंज कर सकते हो। तो अभी फॉर एग्जांपल हमारा थीम ये ब्लैक कलर का था, ये वाला जो कि ठीक से नहीं दिखाई दिया ना। अभी फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली थीम चाहिए तो ये अप्लाई होने के पहले हमको दिखा देती है कैसे दिखती है। देन अप्लाई टू ब्लॉग,
देन अगर मैं इसको सॉरी अगर मैं इसको व्यू करूं तो ये पूरा अलग हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने थीम चेंज कर दी। अगर आपके ब्लॉग को किसी को कमेंट करने हो तो यहाँ पर वो कमेंट कर देंगे, आप देख पाओगे उसको उसकी कमेंट। सो ऐसे क्रिएट करते हैं ब्लॉग। इसमें बहुत सारे और हैं, लेआउट्स भी है, पेजेस भी, आपको डबल पेज करने, देन अर्निंग्स। आपको कम से कम 10 to 20 to 25 ब्लॉग्स बनाने होंगे अर्निंग्स को अप्लाई करने के लिए, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए। हर रोज़ बना दीजिए, एक साथ ही डालने की ज़रूरत नहीं, हर रोज़ बना दीजिए। एंड देन अर्निंग्स के ऑप्शन को मैं आपको आगे की प्रोसीजर बता दूँगी। होप आपको ये ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं ये समझ में आया हो। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस वे।